औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई कदीम तरीन तकरीबन 1012 साल पुरानी वीरान लिबार्ट्री की सैर कराऊंगा, जिसे किला नंदना के वस्त में पहाड़ की चोटी पे एक इंतहाई गहरी और ख़तरनाक खाई के किनारे तामीर किया गया। किला नंदना को 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही सल्तनत के राजा जयपाल ने तामीर करवाया था और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान यहाँ पे आए थे। वो यहाँ पे क्या लेने आए थे, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। आए आपको इस किला की, इस लेबॉरेटरी की सैर कराते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं और साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि इमरान खान यहाँ पे क्या लेने आए थे। तो आए मेरे साथ। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके सराउंडिंग का एक व्यू दिखाता हूँ और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि 12 सदियाँ पुराना किला नंदना अपनी भरपूर तारीख रखता है। नंदना की बुनियाद 8वीं से 9वीं सदी में हिंदू शाही ख़ानदान के एक शहजादे राजा जयपाल ने रखी। 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस किला को रेनोवेट करवाया थोड़ा बहुत, और जो इसके खंडरात हैं उनको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाई उसकी और वाइट वाश करवाया और यहाँ पे सयाहों के बैठने के लिए ये शेड तामीर करवाए। ये नीचे भी शेड है और आए ऊपर चलते हैं और ऊपर जो टेंपल है वो दिखाते हैं आपको कि ये आज की साल में है। और इस टेंपल की जो लोकेशन है वो देख के आपकी हैरत दंग रह जाएगी कि ये इंतहाई ख़तरनाक जगह है जहाँ इसको तामीर किया गया। और ये नीचे पानी स्टोर करने के लिए पत्थरों को तराश के पानी के लिए तालाब बनाया गया था। ये पहाड़ की चोटी के ऊपर है, हवा भी बड़ी तेज़ चल रही है और इसकी लोकेशन इंतहाई वो ख़तरनाक है। यहाँ पर इसका फ्रंट व्यू देखें, ये तबाह हो चुका है, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा बाकी है वो आपको दिखाते हैं। और ये मकामी पत्थरों को तराश के चूने की मदद से इस कला और इस टेंपल को बनाया गया था। ये आप देखें, बड़ी ही ख़तरनाक लोकेशन पे मैं आपको दिखाता चलूँ। और दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि इस किला का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो निशानदेही की है वो बहुत थोड़ा है, क्योंकि हमने नीचे आपको दिखाऊं वो सामने गांव है नीचे, तो नीचे गांव में इसका जो एंट्रेंस का गेट लगा हुआ है। इधर से मैं आया हूं और ये आप देखें, इसके ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं है। ये कला का आप एक ओवरव्यू देखें, वो सामने एक कदीम तरीन कब्रिस्तान है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको ये टेम्पल का जो बचा कुछ ऐसा ये दिखाते हैं। और मुझे टू बी आनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे बड़ा ही खौफ आ रहा है यहाँ पे खड़े होने से और इसकी वीडियो बनाने से। बड़ी मैं ध्यान से बना रहा हूँ क्योंकि ये नीचे आप देखें इंतहाई गहरी खाई है। ये आप देखें, इसका व्यू देखें, सामने पहाड़ी सिलसिले और नीचे बहुत ही डीप यहाँ पे खाइयाँ। अच्छा, एक चीज़ मेरी समझ से बालतर है कि जितने भी टेम्पल बने हैं वो इंतहाई गहरी खाइयों के किनारे क्यों बनाए गए हैं, समझ से बालातर है। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है मौसमी हालात के पेश नज़र। और आगे चलते हैं और जो इसकी मज़ीद डेंजरस चीज़ है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये इसका पहले आप चेक करें, ये इसका एक हिस्सा बाकी रह गया है। और आए आगे आपको दिखाते हैं और इसकी आप लोकेशन ज़रा चेक करें, आपने इतनी डेंजरस लोकेशन शायद ही पहले देखी हो, मैंने तो नहीं देखी। ये देखें मैं कितनी हाइट पे खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर, देखें जी। और जो लेबॉरेटरी है वो तो शायद इससे भी ज़्यादा डेंजरस लोकेशन पे हो, देखें कितनी हाइट पे मैं खड़ा हूँ। और इस साइडों पे पहाड़ों का व्यू चेक करें और ये इस टेम्पल का व्यू चेक करें, इसको कहाँ पर बनाया गया। आगे से आपको मज़ीद इसकी जो डेंजरस चीज़ है, जो मज़ीद इसकी गहरी खाई है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखें और
इसको भी चेक करें। ये इस मंदिर का बाकी मानदा हिस्सा, और इस मंदिर को शिव मंदिर कहा जाता था, और हिंदू शाही सल्तनत के बानी राजा जयपाल के बेटे राजा अनंतपाल ने इसको नंदना फोर्ट के बीच में तामीर करवाया था। और ये सामने से आप देखें, ये गांव का एक व्यू है। इसको बहुत ज़्यादा हिस्सा डैमेज हो चुका है, और इसको जैसा कि मैंने पहले बताया कि मकामी पत्थरों और मिट्टी और चूने के गारे से इसको बनाया गया था। ये इस किला के खंडरात अब बाकी हैं, और इस किला नंदना का नाम इंदिरा के नाम से एक हिंदू मतलब के भगवान के अफसानवी बाग नंदना के नाम पे रखा गया था। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस किला नंदना को बनाने का मकसद मगरब और शुमाल की रियासतों के हमला आवरों की रोकथाम था। नंदना पास कदीम पत्थर की पक्की सड़क थी जो दिल्ली को जदीद दौर के अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के दारुल हुकूमतों से मिलाती थी। मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 1012 या 1017 के दौरान सुल्तान महमूद गजनवी ने इस किला को घेर लिया, और यूं हिंदू शाही सल्तनत का खात्मा हुआ। ये सामने लेबॉरेटरी है जिसको मशहूर साइंसदान, रियाजीदान, जोग्राफियादान और तारीखदान मुसलमान साइंसदान अबू रेहान अल बरूनी से मंसूब किया जाता है, और इसको 11वीं सदी में तामीर किया गया था। ये कोई मामूली खंडर नहीं है, बल्कि ये 10वीं सदी के मशहूर साइंसदान अबू रेहान अल बरूनी की लेबॉरेटरी है, और यही वो मकाम है जहाँ पर बैठ के उन्होंने ज़मीन का कुतर मापा था। 250 से जायद कुतुब के मुसन्निफ अल बरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार से भी मुंसलिक रहे थे। वो अफगान लश्कर के साथ कलर का हार आए। अफगानों ने अल बरूनी के डिज़ाइन पर इनको ये लेबॉरेटरी बना कर दी। अल बरूनी की तहकीक के मुताबिक ज़मीन का कुतर 3928.77 था, जबकि मौजूदा नासा की जदीद तहकीक के मुताबिक 3847.80 है, यानी महज 81 किलोमीटर का फ़र्क है। अब सोचने की बात तो ये है कि हम अपने विरसा की हिफाजत कैसे करते हैं। ये इस लेबॉरेटरी की छत है, ये बिल्कुल डोम थी इसके ऊपर जो तबाह हो चुकी है, और नीचे जो रही सही कसर थी वो हमारे यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट हजरात ने कुकिंग करके निकाल दिया। जी आप देखें, ये वो जगह है जहाँ पे बैठ के हमारे अजीम साइंसदान ने इन पहाड़ी चोटियों की मदद से ज़मीन का कुतर मापा था, और हमारी हालत ये देख लें कि हम यहाँ पे आके खाने बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, यहाँ हमें कोई एहसास ही नहीं है। और ये इसके साथ मस्जिद है जिसे सुल्तान महमूद गजनवी ने तामीर करवाया था जब उसने इस किला को फतह किया था। जी दोस्तों, ये लेबॉरेटरी है और ये पहाड़ी की चोटी पे है, और आप इसका एक व्यू देखें। मैं आगे नहीं जा सकता, आगे ख़तरा है कि पाँव स्लिप ना हो जाए खुदा ना खास्ता। और ये देखें आप नीचे गाँव, ये इंतहाई ख़तरनाक खाइयों के किनारे इसको बनाया गया था। आए इस मस्जिद की आपको ज़्यारत करवाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये मस्जिद आज वीरान पड़ी है, और मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ना तो यहाँ पे आज अभी अजान का वक्त हुआ है, और ना ही कोई नमाज का वक्त है, नहीं तो मैं यहाँ पे ज़रूर अल्लाह की इबादत करता। इसकी छत नहीं है, गिर चुकी है या बनाई नहीं गई ये मुझे नहीं पता, वरना इसकी छत नहीं है। जी दोस्तों, अगर आप भी इस नंदना फोर्ट की या इस कदीम तरीन लेबॉरेटरी की सैर करना चाहें तो आप सबसे पहले आएंगे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट झेलम में, और झेलम की तहसील पिंड दादन खान आएंगे, और पिंड दादन खान का एक कस्बा है बागा वाला,
यहाँ तक आप अपनी सवारी पे आ सकते हैं। इसके आगे आप नीचे जो भी आपकी सवारी हो, बाइक हो या गाड़ी हो, उसको पार्क कर देंगे और तकरीबन एक से डेढ़ घंटा वो हाइकिंग करते हुए आप इस पहाड़ की चोटी पे आएंगे। पूरा इसका ट्रैक बना हुआ है, रास्ते पे वो ग्रिल लगाई गई है सेफ्टी वाल के तौर पे, और आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके ऊपर कोई बिल्कुल खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है, आपने पानी वगैरह लाजमी साथ लेके आना है और खाने पीने की अशिया साथ लेके आनी है। लेकिन जो भी आप अशिया साथ लाएं उनके रैपर यहाँ से जाते वक्त साथ ले। अलबरूनी माहिर फलकियात और माहिर बशरियात भी थे और उन्होंने इधर कुरा अर्ज के रदास और तवाफ़ की नुमाइश की। वो 11वीं सदी में कदीम हिंदुस्तान में अपनी तारीख, मज़हब, सकाफत और साइंस को रिकॉर्ड करने आए थे। उन्होंने अपनी मशहूर किताबुल हिंद में नंदना का भी जिक्र किया है। धूप बड़ी सख्त है जी, और आपको दिखाता चलूं कि ये उस ज़माने में पानी को स्टोर करने के लिए ये तालाब तामीर किया गया था, ताकि बारिशें हों और पानी जो है वो इसमें ज़खीरा हो जाए और बवक्ते ज़रूरत उसको इस्तेमाल किया जा सके। ये ट्रैक ऊपर जा रहा है और सामने वो टेंपल है, और ये आपको लेबॉरेटरी नज़र आ रही है, साथ मस्जिद है। और बड़ी एक अहम चीज़ आपको दिखाता चलूँ जिसका बहुत सारे लोगों को इलम ही नहीं है, कि जब इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं तो उस ज़माने में यहाँ पे फरार होने के लिए एक टनल बनाई गई थी। ये आप देखें, और ये मिट्टी इसमें गिर चुकी है, आगे से बंद हो चुकी है, लेकिन इसमें जो पत्थरों की दीवारें हैं वो आज भी मौजूद है, ये आप देखें, और इस बात की गवाही दे रही हैं कि इसको स्पेशल तामीर किया गया था। ये किला की मैं बाउंड्री वॉल पे चल रहा हूँ, और अब मेरा रुख है इस किला के कब्रिस्तान की जानिब। और ये इंतहाई कदीम तरीन दरख्त और दरख्तों का यहाँ पे बेतहाशा जंगल है, और नीचे ये खाइयाँ, और नीचे मुझे कुछ बकरियाँ घूमती नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद वो कैमरा में नज़र ना आए। पानी के तालाब दूर से नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे लोगों का ज़्यादातर जो दारोमदार है वो इसी भेड़ बकरियाँ पालने पे हैं, और खेती बाड़ी लोग करते हैं यहाँ के। और ये आप देखें, ये ऊपर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा रास्ता, आए ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो पत्थर पड़े हैं ये नेचुरल पत्थर नहीं है, बल्कि ये तबाह हाल किले की बाकियात हैं। और ये देखें, आप इस पे गौर करें तो इनको तराशा गया है, और ये अपनी तरशीदा हालत में यहाँ पे मौजूद है। किला तबाह हुआ तो पीछे ये पत्थर जो हैं ये जा बजा बिखरे पड़े हैं। तो आप अगर यहाँ पे आना चाहें तो एड्रेस तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो गूगल मैप पे इसकी लोकेशन अवेलेबल है, और वहाँ से सर्च करके भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये इस किला नंदना के मैं कब्रिस्तान में आ चुका हूँ। ये छोटा सा एक कब्रिस्तान है, ये अलग से पहाड़ी पे है, और ये बिल्कुल उसी पहाड़ से मुलहिक है। और क्योंकि इस किला नंदना के तारीख में दो अद्वार मिलते हैं, पहला जो है वो हिंदू शाही सल्तनत का, और दूसरा सुल्तान महमूद गजनवी का। तो जो मुसलमान यहाँ पे रहते थे ये उनकी कब्रें हैं। 13वीं सदी तक ये किला मुस्लिम हुक्मरानी में भी रहा है, सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़्म ने भी इधर हुक्मरानी की है। ये नंदना फोर्ट है, और ये नीचे फौजियों की चौकियाँ बनाई गई हैं, ये ऊपर कब्रिस्तान है, और साइडों पे बुलंदों वाला पहाड़ और नीचे गहरी खाइयाँ, और ये कब्रिस्तान। और मैं आपको दिखाता हूँ जी ये कब्रिस्तान किस लोकेशन पे बनाया गया है। आपने ज़िंदगी में ऐसी लोकेशन पे बना हुआ कब्रिस्तान ही देखा होगा। नीचे वो सामने पानी का तालाब आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे लोगों का जरिया माश जो है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी और भेड़ बकरियाँ पालना है। इस जंगल में बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जिनमें सांप यहाँ पे से नेवला और सुअर, गीदड़, लूमड़ और हड़ियाल ख़ास तौर पे पाया जाता है। और मैं चलते चलते कहाँ पे आ गई हूँ आपको दिखाता हूँ जी। आप देखें, अल्लाह अकबर,
वो मेरे खुदा, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ जी, ये व्यू आप चेक करें, नीचे चश्मा पानी का चल रहा है, और ये व्यू आप चेक करें, बड़ी गहरी खाई है नीचे, और साइडों पे ये पहाड़, और ये बड़ा ही खूबसूरत दरख्त, ये सामने कब्रिस्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को उनकी अहलिया के भतीजे शहरोज खान ने इस किला नंदना की तारीखी अहमियत के हवाले से आगाह किया, जिन्होंने इस किला नंदना के बारे में न्यूयॉर्क टाइम के माउन पॉल स्लोपैक से इसकी तारीखी अहमियत के बारे में सुना था। तो इस सिलसिला में 28 फरवरी 2021 को सरकारी सतह पर इस किला नंदना में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और उनके मामनीन खसूसी काबीना अराकीन और बहुत से वज़रा ने शिरकत की, ताकि इस कला को बहाल किया जा सके। इस कला को पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले किया गया, तो उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत रेनोवेशन करके इसको सियाहों के लिए खोल दिया। तो जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।